बुरहानपुर जिले में शासन के नियम विरुद्ध विभिन्न अवैध शराब अहाते संचालित हो रहे हैं। सशक्त पत्रकार समिति ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिकारियों को कार्रवाई करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अल्टीमेटम 8 दिन का है। पुलिस अधीक्षक से सड़क पर शराब पीने वाले शराबियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। विवादित सिंधी बस्ती शराब दुकान के बाहर शराबी युवाओं का विवाद कैमरे में कैद हुआ। शराब माफिया अहाता संचालनकर्ताओं से 1500 से 2000 रुपए रोज ले रहे हैं। शासन के राजस्व को इससे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। उमेश जंगाले ने कहा कि समस्त अवैध अहाते का संचालन 8 दिवस में बंद नहीं होता तो सशक्त पत्रकार समिति द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन कर विरोध दर्ज कराया जाएगा। देखिए, बुरहानपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर अवैध अहातों का संचालन हो रहा है। शराब माफिया शराब की दुकान की आड़ में अवैध संचालन कर रहे हैं अहातों का, जिसको बंद कराने को लेकर आज मेरे द्वारा कलेक्टर से एक मांग पत्र दिया है कलेक्टर मैडम को। शिकायत की गई है कि जल्द से जल्द ये अहाते बंद हो, और इसके साथ ही एसपी साहब से भी हमने निवेदन किया है कि जो लोग रोड पर शराब पी रहे हैं और रोड पर शराब पीने के बाद में रोड पर आकर वो उत्पात मचा रहे हैं, इससे आमजन बहुत त्रस्त है, परेशान है। इन शराबियों पर भी कार्रवाई की जाए, ऐसी मैंने मांग किया हूँ। क्योंकि ये इसके पूर्व में भी हम लोगों ने एक शिकायत की थी, लेकिन आबकारी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं किया। इससे ये प्रतीत होता है कि आबकारी विभाग का अवैध आधा संचालकों को संरक्षक प्राप्त है, और कहीं ना कहीं वो कार्रवाई करने से आबकारी विभाग बच रहा है। तो आज इसी संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया और कार्रवाई करने की मांग की। मैं उमेश जंगाले, सशक्त पत्रकार समिति प्रदेश अध्यक्ष। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।